हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान के राउंड वन की रिपोर्टिंग के बारे में कि रिपोर्टिंग में आपको कहाँ जाना है, कब जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, वो सारा इस वीडियो में अपन बात करेंगे। बोंड के बारे में अपन बात करेंगे, DD के बारे में अपन बात करेंगे, जो परफॉर्मा है, जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट में दे रखे हैं उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि रिपोर्टिंग होती क्या है और करनी कहाँ है। तो रिपोर्टिंग का मतलब है कि आपको फिजिकली वेन्यू पे उपस्थित होना पड़ता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके। तो आपको कहाँ उपस्थित होना है, आपको अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिली है, कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो 2023 तक की है वो आपको मिली है, चाहे गवर्नमेंट सीट हो चाहे पेमेंट सीट हो, उनको जाना है SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में। वहाँ का एकेडमिक ब्लॉक है, उसमें आपको जाना है 5 से लेके 8 अगस्त के बीच में आपको जाना है, सुबह 9 से लेके शाम के 9 बजे तक। और जिन बच्चों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिली है या डेंटल कॉलेज मिली है उनको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में जाना है। टाइम और डेट यही रहेगी, 5 अगस्त से लेके 8 अगस्त के बीच में आपको वहाँ पे जाना है, अलोंग विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, उनकी फोटोकॉपी भी लेके जानी है, जो मैं आगे बात करूँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो ये होती है रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है क्या, बच्चे काफ़ी सवाल पूछते हैं। रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है अपनी सीट सिक्योर करने के लिए। अपनी सीट, अगर मान लो आपको कोई सीट अलॉट हुई है तो आपको उस पर ज्वाइन करना है, एडमिशन लेना है, तो आपको वो लेना ज़रूरी है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैं राउंड 2 में लेना चाहता हूँ, राउंड 3 में लेना चाहता हूँ, मैं अपग्रेड करवाना चाहता हूँ, तो अपग्रेडेशन के लिए भी रिपोर्टिंग ज़रूरी है। आप चाहें तो फ्री एग्जिट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, राउंड 2 में आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे, वो भी एक तरीका है। लेकिन अगर आप सीट सिक्योर करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे मान लो किसी कैंडिडेट को RNT उदयपुर मिली है और वो चाहता है कि उसको सेकेंड राउंड में SPMC या फिर RUHS मिल जाए, तो उस बंदे को क्या करना है, वो बंदा क्या चाहता है कि मैं RNT तो रखूँ ही रखूँ और साथ में अगर बढ़िया कॉलेज मिले तो मिल जाए, अदरवाइज़ RNT तो मेरे पास रहे, तो ऐसा उसको करना है तो उसको रिपोर्टिंग ज़रूरी है। अदरवाइज़ ऐसा हो कि वो डायरेक्ट फ्री एग्जिट करे और राउंड 2 में जाए तो ऐसा सीन बन सकता है कि RNT की सीट भी उसको ना मिले, कट ऑफ हाई चली जाए, कोई भरोसा नहीं है। बट कट ऑफ हाई जाती नहीं है, एक सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ कि सीट आपकी नहीं रहेगी। अगर आप फ्री एग्जिट कर दोगे तो उस सीट पे आपका कोई हक नहीं रहेगा, लेकिन आप रिपोर्टिंग कर लोगे तो उस सीट पे आपका हक है, आप उस पे हक जता सकते हैं जब तक आपको दूसरी कॉलेज अलॉट नहीं हो जाती। दूसरी कॉलेज आपको जैसे ही नेक्स्ट राउंड में अलॉट होगी तो पहले राउंड में जो सीट अलॉट हुई थी वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, उस पे आपका कोई हक नहीं रहेगा, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर बात करते हैं अपन रिपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको SMS में जाना है वेन्यू के ऊपर, जो गवर्नमेंट एंड जो राजमेश वाली कॉलेज हैं जिनमें जो भी अलॉटमेंट होते हैं बच्चों को, गवर्नमेंट हो या चाहे पेमेंट सीट हो, उनमें जाना है और ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जो आपकी स्क्रीन पे दे रखे हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है नीट का स्कोर कार्ड। नीट का स्कोर कार्ड आपके पास होगा, उसको लेके जाना है। और याद रखिए सभी की 2 कॉपीज लेके जानी है आपको। देखो, एक तो आपको ओरिजिनल लेके जाना है, पूरी फाइल बनानी है, आपको 3 फाइलें खरीदनी है, एक फाइल में आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए और 2 फाइलें में होनी चाहिए आपकी कॉपी, और 2-3 कॉपी बना के आप घर पे भी रख लीजिए ताकि फ्यूचर में काम आए, क्योंकि 5.5 साल के लिए आपके डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा होने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, 2-2, 3-3 कॉपी एक्स्ट्रा बनवा के ही रखनी है। फिर सेकंड चाहिए आपको अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर अभी आप आया नहीं है वेबसाइट पे, लेकिन कल तक आ जाएगा, कल सुबह तक, तो अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करके ले जाना है, उसको भी वहाँ पे जमा कराना है। एक आपको चाहिए मार्कशीट 10+2, मतलब 12th की मार्कशीट, और फिर आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, क्योंकि 10th की मार्कशीट ही डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की तरह काम कर देती है, उसमें डेट ऑफ बर्थ अपनी आती है तो सर्टिफाइड रहती है वो। तो आपको 10th, 12th की मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, अलॉटमेंट लेटर ले जाना है, और 10th की मार्कशीट तो आई गई, तो ये दोनों 4 और 5 एक ही है एक तरीके से, डेट ऑफ बर्थ आपको अलग से नहीं चाहिए होती। तो मार्कशीट एंड 11th की मार्कशीट चाहिए, जिसके अंदर बायोलॉजी आपके पास होनी होनी चाहिए या बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए। मार्कशीट ऑफ 12th बियरिंग बायोलॉजी एज, हाँ ये मार्कशीट ऑफ 12th आई गई 10+2 वाली में, तो 10th, 12th की मार्कशीट आपको चाहिए, 11th की आपको मार्कशीट चाहिए, आपको नीट का स्कोर कार्ड चाहिए, अलॉटमेंट लेटर चाहिए। फिर आता है मेन सबसे डॉक्यूमेंट एट, हाईलाइट कर रखा है इसको, ये आपकी एलिजिबिलिटी प्रूफ करता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन है, आपसे जब फॉर्म भराते टाइम पे 1 से लेके 11 तक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछे थे उसका प्रूफ है। अब किसी बच्चे ने 1 भरा है, किसी बच्चे ने 2 भरा है, तो 1 भरा है 2 भरे हैं वो क्या होते हैं,
वो राजस्थान की रेजिडेंट्स हैं, तो उनके लिए रेजिडेंट सर्टिफिकेट मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, जिसको अपन हिंदी में मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो एट का मतलब है मूल निवास प्रमाण पत्र, वन या टू के लिए। बाकी जितनी भी कैटेगरीज है वो आप रीड कर लीजिएगा, उनके लिए अलग अलग होते हैं। किसी में सर्विस मैन होते हैं, वो 3 या 3 साल से ज़्यादा सर्विस कर रहे होते हैं उनके बच्चों के लिए, तो उनके लिए अलग से परफॉर्मेंस बनाने होते हैं, तो वो चाहिए होते हैं। बाकी मेजोरिटी जो कैंडिडेट है राजस्थान के रेजिडेंट होते हैं, उनके लिए यहाँ पे मूल निवास मतलब निकलता है 8वें पॉइंट का। फिर 9वें में अपन बात करें तो कॉपी ऑफ फोटो आईडी, मतलब आपको ओरिजिनल भी ले जानी है और कॉपी भी ले जानी है, इनमें से कोई भी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड। आधार कार्ड ले जाइएगा आप, आधार कार्ड ठीक रहता है, सबसे बेटर इसमें। 9 का मतलब है आपको आधार कार्ड लेके जाना है। 10 में आपको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, अगर आपका कास्ट है तो कोई भी, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से या एससी एसटी एसटी से अलॉट हुआ है आपको, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, तो ये 8th वाला पॉइंट ही आ गया अपने, जो 1 और 2 भरते हैं बच्चे उनके लिए, ये 8th वाला पॉइंट ही 11वां पॉइंट है। फिर 12वें में अपन बात करें, 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है आपको, और पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो पीएच सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, और डब्ल्यूडीपी या डब्ल्यूपीपी आते हैं तो डब्ल्यूडीपी या डब्ल्यूपीपी का सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का ले जाना है। बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड आपको राउंड 1 में नहीं लेके जाना, ये बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा है कि सर बॉन्ड कहाँ से बनवाएं, कैसे बनवाएं। राउंड 1 में आपको बॉन्ड नहीं लेके जाना, बॉन्ड के बारे में आगे बात करूंगा कब लेके जाना है और कैसे आपको बनवाना होता है। फिर 17वां पॉइंट है प्रूफ रिगार्डिंग फैमिली एनुअल इनकम, ये आ गया आपका इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, अगर आपने 2.5 लाख से कम भरा था, वहाँ पे आपने 1200 रुपये फीस दिए अगर एप्लीकेशन फॉर्म में 2.5 लाख वाला इनकम सर्टिफिकेट लगा के, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। अदरवाइज ना भी ले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी जो है 10th 12th की मार्कशीट है, और अलॉटमेंट लेटर है, और नीट का स्कोर कार्ड है, और आपका आइडेंटिटी कार्ड है, और डोमिसाइल है। ये 5-4 जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए ये मैंडेटरी है। बाकी इनके अलावा आपको क्या ले जाना है, एक टीसी ले जाना है, माइग्रेशन ले जाना है, करेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है। ये 3 एक्स्ट्रा आपको डॉक्यूमेंट इनके अलावा ले जाने। फिर 17 के अलावा इन्होंने 2 डॉक्यूमेंट और बताए हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर, जो आपको मैं लास्ट में दिखा देता हूँ। एक तो ये कि आपको अंडरटेकिंग फिल करके ले जानी है, ये वाला पेज आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको आपको फिल करके ले जाना है, इसको आपको फिल करना है और इसको भी आपको सबमिट करवाना है, इसको परफॉर्मा 7 बोलते हैं, तो ये भी आपको लेके जाना है। और इसके बाद ये परफॉर्मा 6 की बात है, तो ये बॉन्ड है, ये परफॉर्मा 6 जो है ये बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड आपको राउंड 1 में नहीं चाहिए। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक एग्रीमेंट होता है। बॉन्ड का वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पे थंबनेल भी आ रहा होगा स्क्रीन पे, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बॉन्ड कैसे बनवाना होता है, बॉन्ड के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, जहाँ पे आप रिपोर्टिंग कराने जाओगे एसएमएस के जस्ट बाहर ही वहाँ पे नोटरी वाले बैठे रहेंगे, काफ़ी सारे रिपोर्टिंग के टाइम पे आ जाते हैं, तो वो बॉन्ड वहाँ पे आपको तुरंत वहीं बनवा के दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए बॉन्ड की टेंशन आपको नहीं लेनी है। या बाद में बॉन्ड चाहिए होता है, कब बॉन्ड चाहिए होता है, आपकी सीट फाइनल होने पर, क्योंकि बॉन्ड में कॉलेज का नाम लिखना होता है। अगर आप अपग्रेड करवाते हैं तो आपका अपग्रेड होकर कॉलेज चेंज हो जाएगा, तो बॉन्ड का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आपको क्या है, बॉन्ड कॉलेज फाइनल होने पे ही जमा करवाना है। मान लो किसी बच्चे को अपग्रेड नहीं करवाना, उसको वही कॉलेज लेनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी बॉन्ड जमा करवा सकता है। लेकिन जिन बच्चों को अपग्रेड करवाना है उनको अभी बॉन्ड जमा नहीं करवाना है, उनको सिर्फ ये डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवाना है और कुछ नहीं करवाना है। बॉन्ड उनको राउंड 2 या राउंड 3 के बाद जब उनकी कॉलेज फाइनल हो जाती है, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ मुझे आगे अपग्रेड नहीं करवाना है या आगे अपग्रेड अवेलेबल नहीं है, तब जाके उनको बॉन्ड सबमिट करवाना है। इसलिए बॉन्ड की आपको टेंशन नहीं लेनी है। बॉन्ड के लिए ये वीडियो आप सेपरेट देख लीजिए, पूरा क्लियरली आपको पता चल जाएगा कैसे बनवाना होता है, क्या लिखवाना होता है, सारा इसमें दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो बॉन्ड के बारे में ये बात हो गई। अब परफॉर्मा ये 6 है, ये बॉन्ड ही है, ये कोई अलग से नहीं है। परफॉर्मा 7 है, ये अंडरटेकिंग है, ये आपको फिल करके ले जानी है। एक जो है ये परफॉर्मा 5 है। अब ये मेनली किन बच्चों के लिए होता है, ये मेनली NRI वाले कैंडिडेट्स के लिए है, लेकिन फिर भी आपको ये फिल करके ले जाना है। ये आपको फिल करके स्टाम्प पे लिख के ले जाना है। 50 रुपये का इंडियन स्टाम्प पेपर आता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप गार्जियंस के द्वारा, ये गार्जियंस का प्रूफ होता है, तो इसके अंदर आपको जो भी डिटेल्स दे रखी है वो आपको फिल करके ले जानी है। और स्टाम्प पे 50 रुपये का स्टाम्प आप वहाँ से भी बनवा सकते हैं, SMS के बाहर आपको खूब मिल जाएंगे, वहाँ पे वकील वगैरह बैठे रहते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे, तो वो आपको बना के दे देंगे। 10 मिनट का काम है पूरा। परफॉर्मा 7 आपको फिल करके ले जाना है, परफॉर्मा आपको 5 ले जाना है, परफॉर्मा 6 बॉन्ड है तो वो आपको नहीं ले जाना अभी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, मैंने सारे बता दिए, 1 से लेके 17 तक तो वो वाले,
जो मैंने पहले बताए, और बाकी ये वाले, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं NRI, WDP और ये PH वाले, तो उनके लिए भी यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रखे हैं। जैसे ये पैरामिलिट्री के लिए दे रखा है, और ये नीचे दे रखा है NRI के लिए। तो ये उनको भर के ले जाने हैं, उनको स्टाम्प बनवा बनवा के उन कैंडिडेट्स को लेके जाने हैं। जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सबसे मेन चीज़ क्या है, सबसे मेन चीज़ है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और कुछ भी नहीं चाहिए आपको। और ये आपको ले जाना है, ये अंडरटेकिंग आपको फिल करनी है, जिसके अंदर आपको नाम वगैरह सिग्नेचर वगैरह करके सिंपल सा ये डाउनलोड करवा लीजिएगा आप, और इसको आपको ले जाना है। ये जो अंडरटेकिंग है, इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे अपडेट्स आती रहती है, काफ़ी जल्दी अपडेट आ जाती है। वीडियो बनाने में थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन जो तुरंत अपडेट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर मिलेंगी। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स के बारे में, अब बात करते हैं फीस के बारे में। सबसे मेन जो चीज़ है फीस, जिसके बिना आपका एडमिशन नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होगा। फीस आपको देनी ही पड़ेगी। फीस किस फॉर्मेट में लेते हैं? फीस अपनी लेते हैं DD की फॉर्मेट में। DD क्या होती है? DD होती है डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं DD को। अब डिमांड ड्राफ्ट बनवानी कैसे होती है और होती क्या है? डिमांड ड्राफ्ट का एक सैंपल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इस टाइप का दिखता है, चेक जैसा दिखने वाला डॉक्यूमेंट है। ये आपको बनवा के ले जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉलेज के नोडल ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करना है। जो राज UG नीट की वेबसाइट है वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे कॉलेज इन्फॉर्मेशन सीट दे रखी है, वहाँ से आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है उस कॉलेज के नोडल ऑफिसर के नंबर उठाइए, उनको कॉल लगाइए, उनको पूछिए कि एग्जैक्ट अमाउंट क्या बनवाना है और किसके फेवर में बनाना है। फेवर मतलब नाम, ये दो चीज़ आपको लेनी है ज़रूर, एग्जैक्ट अमाउंट और फेवर, ये दो चीज़ आपको उनको पूछनी है। वैसे तो लिखा हुआ है वहाँ पे बैंकिंग नेम लिखा हुआ आता है कि किसके बैंकिंग नेम होता है, लेकिन फिर भी आपको ये दो चीज़ कंफर्म करनी है उनसे कि कितने अमाउंट की बनानी है। 113,600 के समथिंग बनेगी DD गवर्नमेंट के लिए, और पेमेंट के लिए 918,000 के समथिंग बनेगी, यही बनने वाली है। लेकिन फिर भी आपको एग्जैक्ट अमाउंट कंफर्म कर लेना है, और फेवर है किसके फेवर में बनानी है। प्रिंसिपल का नाम होता है कई कॉलेजेस में कॉलेज का ही नाम होता है, उसके फेवर में बनानी होती है। तो यहाँ पे बैंकिंग नेम होता है कि बैंक में उनका नाम क्या है, तो बैंकिंग नेम वो होता है, तो उसके फेवर में बनानी होती है। और प्रोसेस क्या है इसको बनाने की, इसको बनाने की दो प्रोसेस है इसको बनाने की, एक तो चेक से बन जाता है, केस से बन जाता है, और एक तीसरी और है, आप अकाउंट में डिपॉजिट करवा के बनवा सकते हैं। मान लो आपका अकाउंट है SBI में, तो SBI में आप 113,000 जमा करवा दीजिए, और वहाँ से फिर SBI में जाइए आप, और जाके बोलिए कि मुझे DD बनवानी है। एक फॉर्म देंगे आपको, फॉर्म आपको फिल करना है, उसके साथ आपको आधार कार्ड लगाना है, और आपको जो फिल वगैरह करके उनको दे देना, वो आपको बना के दे देंगे तुरंत। ऐसे आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपका अकाउंट हो। ये तो मैंने बताया आप डिपॉजिट करवा के, आप किसी भी बंदे से चेक ले लीजिए 113,000 का किसी भी अकाउंट से, और किसी भी बैंक से बनवा लीजिए। आप जयपुर में जा रहे हो SMS में रिपोर्टिंग करवाने, तो उसके आसपास जो बैंक है वहाँ से बनवा लीजिए। SMS का खुद का बैंक है, वहाँ से बनवा सकते हैं। तो ये मुश्किल से 1-2 घंटे का काम है, तुरंत आपकी DD बन जाती है। तो कोई इसमें ज़्यादा बड़ी भारी बात नहीं है कि आपको ज़्यादा 2-4 दिन लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। DD एक सिंपल प्रोसेस है, सिंपल ये कागज़ है जो आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, चेक जैसा ही दिखता है। ये सेफ मेथड होता है एंड टू एंड, इसलिए इसको कॉलेज वाले प्रीफर करते हैं। फिर कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर ये फीस हमारी डिपॉजिट हो जाएगी, तो राउंड टू में अपग्रेड हो गया तो ये फीस का क्या होगा? ये फीस आपको वापस मिलेगी, ये DD आपको ऐसे कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वापस मिल जाएगी। तो इस DD को आपको क्या करना है, इस DD को आपको तुड़वा लेना है, वापस आपको पैसे मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जैसे ही नई कॉलेज लौट होगी, नई कॉलेज के नाम से DD आपको बनवा लेनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। DD आपकी बैंक में बन जाती है तुरंत, आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बस डॉक्यूमेंट आपके रेडी होने चाहिए, ये बॉन्ड अंडरटेकिंग, ये सारे तुरंत बन जाते हैं, मिनटों के काम है। और ये DD भी आपकी मिनटों में बन जाती है, बैंक में जाते ही आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें रेडी रखनी है। रिपोर्टिंग के बारे में मैंने सारी प्रोसीजर आपको बता दी है, अपग्रेडेशन, रेजिग्नेशन और जितनी भी प्रोसेस है उसके बारे में अगर आपको जानना है कि कहाँ कहाँ आप रिजाइन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप ऑल इंडिया में जा सकते हैं, तो आप हमारे ये वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान की राउंड की पूरी प्रोसेस के बारे में हमने बताया, राउंड 1 से लेकर स्ट्रे वैकेंसी में, तो इस वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो ये था आज के इस वीडियो में, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।